सांस भर लो, छोड़ते समय आवाज, सांस छोड़ते समय आपको आवाज निकालनी है। पॉइंट फिंगर्स ऑन योर फोरहेड, जोर से आवाज निकालो, जोर से आवाज निकालो। कितने लोग हैं? हाँ, करो 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 करो। ऑल द सेल्स विल गेट चार्ज्ड। सात बार करना है, 7 times यू हैव टू डू। इससे आपका मंत्र सप्तक बहुत जल्दी सुधर जाएगा, क्योंकि सिर्फ रियाज से कुछ नहीं होता, रियाज के साथ प्रणाम करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी वॉइस वोकल एक्सरसाइज है, एक उज्जाई करके एक एक्सरसाइज है, तो उसके लिए हर रोज वोकल कॉर्ड को हमको इंटैक्ट में रखना पड़ता है। कुछ भी खा लेते हैं तो उसको क्लीन करना है ना, कुछ भी खा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड खाना है, ज़्यादा नहीं खा सकते आप। अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो गाना अच्छी तरह से गाना करना है तो आपको लिमिटेड ही खाना है। सो आधा पेट ही उठना है जब भी आप, क्योंकि द साउंड कम्स फ्रॉम द स्टमक। अभी मैं बाद में प्रैक्टिकल में बता दूँ। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, तो हिकअप्स जैसे आते हैं ना, तो वैसे करना है। एग्जैक्टली ऐसा करना है, तो घर्षण होना चाहिए ना वोकल कॉर्ड्स को। करो करो, ये ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर नहीं जा रहे, इसका मतलब है जंग चढ़ चुका है, क्लियर अप करना है। करो 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 करो, जो 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 अंदर ले रहा हूँ ना श्वास। खांसी खांसी आएगी, ऐसे खांसी आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा होना चाहिए ना। ये अगर करोगे तो आप एंड तक, आपका लेडीज को बहुत थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाता है, ये करोगे तो लेडी कभी भी आपको थायराइड प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वी गेट रिड ऑफ थायराइड प्रॉब्लम। सो दिस एक्सरसाइज इज द बेस्ट, 20 times यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग। देख लेना बाजू वाले को कोई क्या हो रहा है। हाँ, सो ये बहुत ही बढ़िया, इसको बोलते हैं ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई है उसको बोलते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वोकल कॉर्ड। और उसके बाद अपर ऑक्टेव के लिए रिवर्स भ्रामरी होता है। अपर ऑक्टेव के लिए रिवर्स भ्रामरी करना है। रिवर्स भ्रामरी मतलब अभी इसी ऊंचाई को खींचना है। कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए, करिए, कीजिए, इसी को वापस, इसको ही खींचना है। अभी ये अब शॉर्ट में हमने किया, अभी वो घर्षण छोड़ना है, इसको सिर्फ ऊपर चढ़ाना है। ट्राई करो, नहीं वो घर्षण नहीं चाहिए। अच्छा, घर्षण नहीं चाहिए अभी। ऐसे करोगे, देखिए ऐसे अगर करोगे सायरन की तो ऊपर ऑक्टेव ओपन हो जाएगा। सायरन अपर ऑक्टेव, हाँ, लाइक ए सायरन। यस यस, फैक्ट्री सायरन। बस ब्लॉक हो जाएगा, आपको बहुत दिन करना है तब जाके ऊपर हो जाएगा। अगर आपको ऊपर बहुत अच्छी तरह से गाना है तो ये एक्सरसाइज आपको करना है।
जाते थे, कट हो गया, नीचे जोर से आ रहे हो, ऊपर चाहिए ना, नीचे बहुत जोर से आ रहे हो। आप एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, सांस को अंदर ले रहे हो बस छोड़ रहे हो, पता नहीं चल रहा। इनहेल हो रहा है, ऊपर से एक ही बार अंदर ही लेना है, छोड़ना ही नहीं है। सो सांस को बाहर छोड़ना नहीं है, तो आप नीचे आना है सिर्फ, लेकिन वही सांस रहेगा। चलिए देख लीजिए और एक बार, exhaling, you are not inhaling. I can see this. You are not following that. You should inhale. While inhaling only you have to make a sound. So when you inhale, you have to make a sound. So if you practice this, the problem of upper octave is solved. So this is the research what I have done. See, बहुत लोग क्या करते हैं कि रियाज करो, वो करो, ये करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। रियाज से क्या होगा? अगर गले में प्रॉब्लम है तो रियाज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। और इसको बहुत साल लगेंगे, अभी हमारे पास समय कहाँ है नहीं? पहले उस्ताद, पहले पंडित जी 12-12 घंटे रियाज करते थे या नहीं करते थे, उसी में जाना ही नहीं है हमको। हमको जाना है फ्यूचर में क्या करना है, यही सोच रहे हैं। पिछली जिंदगी लेके करें क्या है नहीं, तो आगे क्या करना है, यही इसके बारे में सोचना है। तो इसीलिए अगर आप प्राणायाम करोगे और मैं जो कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा वो करोगे, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रियाज हो सकता है। यही तो है, ये ध्यान में आ गया। अच्छा, अभी लंग पावर के लिए, लंग पावर के लिए दो जालंधर बंध ऐसा एक प्राणायाम है। तो देखिए पहले क्या करना है, सांस लेना है। You have to touch this chin to the chest. Then you have to lock, count 1, 2, 3, 4. That's enough now. 4 count karo, फिर ऊपर आओ, फिर सांस को छोड़ो. Okay? देख लीजिए अब. पूरा टच करो, स्ट्रेट बैठो, पूरा टच करो, टच दिस हियर। अभी इसका रिवर्स करना है, ऐसे करना है, पूरा सांस लेना है, छोड़ना है, फिर लॉक करना है। देखिए अभी सांस को आप नाक से लेते हैं, पेट से सांस लेना है। व्हेन यू ब्रीद इन फ्रॉम द स्टमक द एनर्जी लेवल इज वेरी हाई। So if you breathe in from the nose, see, हो गया खत्म, खत्म कितना ही होगा। अभी मैं ब्रीथ करूंगा, देखिए है नहीं, इतना कैपेसिटी बढ़ेगा आप अगर पेट से लें। So इसलिए try to breathe in from the stomach. Sound should circle on your lip. Sound को अंदर लेना ही नहीं है।
इफ यू प्रैक्टिस दिस, जब साउंड गाते वक्त सिर्फ साउंड ही आएगा. अब क्या होता है, गाते वक्त नॉइज इज ऑल्सो देयर विद द वॉइस, देयर इज ऑल्सो नॉइज अननेसेसरी, द एयर इज गोइंग इन, सो द कंप्लीट साउंड इज नॉट कमिंग. आपने एग्जामिन नहीं किया है उसको, सो कंप्लीट साउंड इज नॉट कमिंग इफ यू, बिकॉज यू टेक टंग इन एंड योर साउंड इज इन, सो व्हेन दैट इज देयर द कंप्लीट साउंड इज नॉट कमिंग आउट. अभी देखिए सीधा साउंड बाहर आ रहा है, अभी पान अंदर गया साउंड अंदर गया. तो सी दैट द साउंड ऑलवेज कम्स आउट एंड दिस प्रैक्टिस द होल वर्ल्ड डूज एक्सेप्ट इंडिया, द होल वर्ल्ड. दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट स्पीक स्पीडली, व्हाई अमेरिकन्स कैन स्पीक स्पीडली, बिकॉज दे ब्रिंग द साउंड एग्जैक्टली ऑन द लिप. हम भावुक लोग हैं, कैसे हो मेरे भाई, इतना अंदर से आता है ना. अंग्रेजी में क्या कहा भाई, खत्म हो गया. वहां भावना नहीं है, यहाँ भावना है. ये हम भावना जीवी है ना, इसीलिए थोड़ा अंदर से थोड़ा और टफ कर दिया बात, बात जो है तो टफ कर दिया. वहां लिपसिंग इतना बढ़िया है, फास्टनेस आ गई. अभी आपको चूज करना है क्या करना है या कर नहीं करना है, बिकॉज यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ. एक सेंटेंस बता देता हूँ, यू आर आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ, डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर विश एंड विल, गॉड हैज नथिंग टू डू विथ इट. या भगवान का कुछ काम ही नहीं है, भगवान ने आपको ये देके भेजा है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं. क्योंकि निसर्ग को एक ही चीज ऑर्डर किया है लॉ ने, तथास्तु बोलना है, तथास्तु बोलना है. तो आप क्या करोगे, मेरा क्या होगा, तथास्तु हो गया. नहीं, मेरा सब कुछ होने वाला, मैं आई विल डू इट, तथास्तु. सो यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ. अभी आपको जो चाहिए वैसा करो, विद इन अ फॉर्टनाइट यू कैन चेंज योर लाइफ. थिंक पॉजिटिव, योर लाइफ विल चेंज विद इन दिस सर्कल ऑफ योर लाइफ. तो डेड एंड आप ही ने कर दिया आपने लाइफ का, अरे हो गया. तो फिर कोसोगे किसको, अरे वो तो है ना, फ्री मुफ्त में मिला है, तो उसी को दोष दोगे, अरे भगवान ने हमारा नसीब ने रखा ही नहीं. वो कौन क्या ना, आप खुद लिख लो. सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, डिसाइड, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू इट विद फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन. सो गाने वाला गाना चाहते हो तो पूरा भाव से गाओ. बिजनेस करना है तो वहाँ जाओ, इंजीनियर बनना है तो वहाँ जाओ, लेकिन कुछ तो एक करो. ऐसे वो भी ये भी करेंगे वो भी करेंगे नहीं हो.